नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गोराया नेशनल हाईवे पर मर्सिडीज और बाइक में हुई भीषण टक्कर, दो लोगों की हुई दर्दनाक मौत। सीआईए स्टाफ फिरोजपुर की पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो 550 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। तरन तारण में दो लुटेरे पिस्तौल की नोक पर मनी ट्रांसफर ऑफिस से 7 लाख रुपए कैश लूटकर हुए फरार। अरब हलचल विस्तार से। गोराया की अट्टा नहर के नजदीक नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक को आग लग गई व दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए फिलौर के गांव अशाहुर के रहने वाले विकी ने बताया कि वह अपने बाइक पर अपने साथी के साथ जा रहा था। वह उसके साथ उसके दो साथी अलग बाइक पर पहले से आ रहे थे, जिनमें एक फिलौर के गांव कतपालो का रहने वाला था और दूसरा अशाहुर का रहने वाला था। वहीं उन्होंने बताया कि एक मर्सिडीज कार ने उनके बाइक में जोरदार टक्कर मार दी व कार सवार बाइक को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया, जिससे बाइक को आग लग गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे SHO गोराया सुखदेव सिंह व जांच अधिकारी हरभजन सिंह गिल ने कहा कि कार व चालक को कब्जे में ले लिया गया है व बनती कार्रवाई की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक्सीडेंट होया एक अपने पुल के उपर थाने के सामने, तो दो अपने बाइक सवार जेडे उन्होंने कार के नाल एक्सीडेंट होया, तो उन्होंने मौके पर ही मौत हो गई। बाकी जी अभी सारे कब्जे च ले लिए गड्डी, तो बंदा भी कब्जे से ले लिया, तो अगली तो ही गया। हाँ, मौके पर हले पूरा नहीं, पूरा आइडेंटिफाइड नहीं होया। अभी कर रहे हैं जी, चेक कर रहे हैं। थी? बाइक से भी कहते अग ला गई बाइक। हाँ, वो नाल पे जिदा रेंगन ना ना टैंकी टैंकी कसरा किसर के नाल पेट्रोल करके पै गए। असं जाने से कम तो गड्डी वाला सैल मार गया। ये पिछे से दो जने, असं मूहरे से, गड्डी बड़ी तेज़ सी, वो गड्डी वाला दोनों साइड मार गया। ये हम बचे मौके दोनों पुलिस का लै गया, ड्राइवर का फड़ लिया जी। ड्राइवर फड़ लिया जी? हाँ जी, हाँ जी, गड्डी फड़ ली सो मूहरे जाके। हाँ जी, हाँ जी, दारू पीती होनी है जी। हाँ जी, हाँ जी, गड्डी वाले दारू पीती हुई। अच्छा और जी, सीआईए स्टाफ फिरोजपुर की पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SPD रणधीर कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरप्रीत सिंह धूरी निवासी गांव मस्तके और आकाशदीप सिंह निवासी बस्ती भानेवाली के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से 1 किलो 550 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। ते दो दोषी की गिरफ्तारी है कि एक तरह का गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी जरा बस्ती अपना पिंड मस्ते के थाना आरके रहने वाला सी, ते दूजा दोषी आकाशदीप सिंह ओ भी बस्ती पाने वाली थाना आरके रहने वाला सी। ते असी जड़ी हैगी हुन तफ्तीश कर रहे हैं कि ये जड़ा सीगा चिट्टा कित्थों लेके आंदा सी, किन्नू वेचन जांदा सी, ये जड़ा नेटवर्क हैगा इसका असी छेती छेती जड़ा हैगा पर्दाफाश करांगे। सर ये फड़े कितना गए? बस्ती मस्तके थाना आरके दराना सी, जिहड़ा आकाशदीप सिंह हैगा ओह भी बस्ती पाने वाले थाना आरके दराना सी।
तरन तारण में सुबह 9 बजे के करीब दिन दिहाड़े दो मोटरसाइकिल सवार बंदूक की नोक पर मनी ट्रांसफर ऑफिस से 7 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक लुटेरे मनी ट्रांसफर ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ गए। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित दुकान के मालिक अमृतपाल सिंह ने बताया कि वह AM रॉयल कंपनी के नाम से कार्यालय चलाता है, जिसमें वह मनी ट्रांसफर का कारोबार करता है। सुबह के समय जब वह कार्यालय में मौजूद थे तो तभी दो नकाबपोश लुटेरे वहां आए और पिस्तौल की नोक पर उनके गले में रखे 7 लाख रुपए कुछ विदेशी डॉलर लूट लिए और फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देने से पहले लुटेरों ने दुकान के अंदर लगे कैमरे भी तोड़ दिए। इस घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। तो वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। भीकीविंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕਾਬਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ 7-8 ਦੱਸਦੇ ਹਾਂਜੀ 7 ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫੜ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਥ ਕੋਈ ਕਰਾਈ ਆ ਅਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੈਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੱਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਡਾਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਅਮਲ ਚ ਫੋਨ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਈ महानगर में लूटपाट और चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो वहीं इकहरी पुलिस से चोरी की वारदात का एक मामला सामने आया है, जहां एक किराने की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान लोगों ने मौके पर एक चोर को काबू कर लिया। वहीं आरोपी ने बताया कि वह पास ही के मोहल्ला में रहता है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। दरअसल दुकानदार किसी काम से दुकान से कुछ दूरी पर गया हुआ था। इस दौरान दो चोर दुकान में घुसे और गले से 60,000 रुपए चुरा लिए। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर कुछ पैसे गले में छोड़ गए ताकि चोरी की वारदात का दुकानदार को पता ना चल सके। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित दीपक ने बताया कि वह रात करीब 8 बजे दूध लेने के लिए गया हुआ था। इस दौरान उसकी दुकान पर उसके दादा बैठे हुए थे, जिसके बाद वह सामने दुकान के पास से पानी लेने के लिए चले गए। इस दौरान दुकान खाली देखकर दो चोर आए और गले से 60,000 रुपयों की नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद देर रात उन्होंने एक चोर को काबू कर लिया था, जिसने अपने साथी व दूसरे चोर के बारे में बताया। तो वहीं पीड़ित दीपक ने बताया कि दूसरा चोर काजी मंडी में स्थित रामलीला के कार्यक्रम में रावण का रोल निभाने वाले राजेश का भांजा है। दीपक ने कहा कि जब वे उनके पास देर रात को गए तो उन्होंने कहा कि वे ई रिक्शा को गिरवी रखकर 2 माह तक पैसे दे देंगे। पीड़ित का आरोप है कि सुबह जब उनके भांजे को काबू किया गया तो उसकी जेब से 9600 रुपए बरामद हुई। दुकानदार का कहना है कि अब बाकी के पैसों को लेकर उक्त चोर के मामा और परिजन पैसा देने से मना कर रहे हैं और ना ही वह ई रिक्शा बेचकर पैसे लौटाने की बात कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने दोनों आरोपियों को थाना 3 की पुलिस के हवाले कर दिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। थोड़ा दादो लड़के लेके चले थे सरदी भैया तो लेके चले गए ओथे आ जो ते नंबर मतलब दादो की कॉल की है कॉल की आई थी ते कॉल की रूम ते आए पे चोर फड़या उनू लेके चले हैं बस हो गया ते कल ना बड़ भाजी आ खोलियां अंदर टाइम सीगा करीब खोलियां भाजी 7:15 अंदर ते आ दो जने आए आ ते किना और साथी सीगा ओ मिस अंकल सामने बाहर पानी लेन गए सीगे ते अंदर आए ते ने एक नाल दे साथ में लेके फरार हो गया ਦੂਸਰੇ ਚੋਰ ਦੋਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਆ
जालंधर के माई हीरा गेट में मामूली विवाद को लेकर दो दुकानदार आपस में भिड़ गए, जहां पर दोनों दुकानदारों में काफी बहसबाजी और झगड़ा हुआ। वहीं सुबह रामा बुक डिपो और खन्ना बुक डिपो की दुकान के बीच दीवार में आग लग गई थी, जिसके बाद दमकल विभाग की तरफ से आग बुझा दी गई थी। लेकिन इसके बाद आग लगने से इकट्ठा हुए मलबे की सफाई के लिए दोनों दुकानदारों में बहस होनी शुरू हो गई। तो वहीं दुकानदार रामा बुक डिपो के मालिक ने बताया कि सुबह उन्हें पड़ोसी ने फोन कर बताया कि उनकी दुकान पर आग लगी है। मौके पर पहुंचकर देखा तो दमकल विभाग ने आकर आग पर काबू पाना शुरू कर दिया था। रामा बुक डिपो के मालिक ने आरोप लगाया कि इसके बाद जब उसने दुकान के बाहर सफाई करवानी चाही तो खन्ना बुक डिपो के मालिक के बेटे ने आकर उनके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। वहीं खन्ना बुक डिपो के मालिक एडवोकेट भारत भूषण खन्ना ने बताया कि उनकी रामा बुक डिपो वालों से पुरानी रंजिश चल रही है। एक दो बार उनसे लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, जिसकी शिकायत पुलिस में दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि सुबह भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी दुकान में आग लगाई है, जिस पर उनको संदेह है कि ये शरारत रामा बुक डिपो वालों ने करवाई है। वहीं भारत भूषण खन्ना ने आरोप लगाया कि रामा बुक डिपो के मालिक संचित कुमार ने उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट की है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज साड़ी दुकान से किसी ने अनपछाते बंदे ने आग लाती है, सानू शक है कि इन्होंने ही लाई है। तो पिछे आग ला के उतो खाली करके उतो शटर कटना चाहता है, तो वो अपनी छत लेना चाहता है। जब मैंने छत दे दो उतो शटर कटना, मैंने छत दे दो, जब मैंने पिछली दुकान दे दो। मैंने सानू रंजिश के नाल मारिया कुटिया भी, अज भी गाला भी कटिया वा इन्होंने, अज भी मारिया कुटिया वा, मेरे बेटे नू मारिया वा, मेरे भरा नू मारिया वा, इन्हू कुटिया वा, तो गाला बहुत गंदिया गंदिया गाला कटिया। हाँ जी, मैं 112 नंबर से कंप्लेट कर दिती है। मैं अग लगन की दिती सी, हूँ मैं उसे पछाने जाना वा, मेरे बहुत मारिया कुटिया वा, मेरे बेटे बेटे भी मारिया। लड़ाई नहीं हुई, सवेरे 7:20 सू बाजार के सामने साढ़े दीपक बुक शॉप वाले आ उपर आते हैं, उन्हों का फोन आया कि तुहाड़ी दुकान के बाहर अग लग गई है। असी 10-15 मिनट सानू आन लग गए, असी जो इतने पहुँचे साड़ी नाल दे खन्ना स्टेशन मार्ट वाले पहला ही दुकान उन्हों की खुली हुई थी। असी आ के उन्होंने भी दो मुंडिया ने, तो असी भी पानी दिया बाल्टियां पानिया शुरू की, आंढ़ गुआंढ घर तो लैके अग बुझाने की कोशिश की। उस तो बाद फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड ने अग बुझाई है। तो इन्होंने खन्ना स्टेशन मार्ट वाले कहते जी पानी ज़्यादा ना पाओ, साड़ी दुकान के पिछले शटर आ, पानी अंदर चल जाएगा, साड़ा नुकसान हो जाएगा, अग बुझ गई है। उन्होंने अपनी थोड़ी जी जो फॉरमैलिटी करके चले गए। इतने जो असी भी अपने घर चले गए, जो असी 9:45 मैं दुकान खोलन आया, इतों की सारा धुआं निकलता पाया, उतो तक साड़ी दुकान की दीवार है जी, दुकान की दीवार है, उतो धुआं निकल रहा। असी सफाई करानी चाहिए थी कि अग अंदर ना चल जाए, धुआं कट के मलबा असी बाहर कड़ दी, असी बाहर कड़ना शुरू किया मलबा। इन्हों का मुंडा अरमान खन्ना है जी, वो इतने आकर सू गाली गलोज कर लग गया, सा लड़न लग गया, सफाई क्यों करा दे रहे हो। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसे लेकर शहर में भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर उनकी ओर से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उनकी पुलिस टीम की ओर से बड़े अच्छे ढंग से ड्यूटी निभाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके पुलिस अधिकारियों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी पूरी तनदेही से अपनी ड्यूटी की जा रही है, और वे इन कर्मचारियों को उचित रिवॉर्ड भी देंगे। इस दौरान उन्होंने सभी शहरवासियों को इस पावन दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वे उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस संबंध में भी उनके द्वारा स्पेशल ऑपरेशन के तहत चेकिंग की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तो मैं सारे नु इन्हां नु वाजिब रिवॉर्ड भी देवांगे। इस तो अलावा 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, वो संबंध में असी स्पैशल जो ऑपरेशन साढ़े चल रहे हैं, असी एंटी सबटा चैकिंग भी करा रहे हैं, और स्पैशल वहीकल चैकिंग भी चल रही है साड़ी नाकों के उत्ते, और जोड़े होटल वगैरह या सरावान ने उन्होंने चैकिंग भी चल रही है, जोड़े छुपन वाले ठिकाने ने क्रिमिनल से। इस तो अलावा जो लिस्टा के मुताबक साढ़े को बंदे हैगे शक्की, उन्होंने उत्ते भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। स्पैशल फोर्स असी सानू DGP साहब के ऑफिस वालों दिती गई है, वो 70 बंदे भी असी डिप्लॉय किए शहर की डोमीनेशन वास्ते अलग अलग नाकों के उत्ते। और इस तो अलावा जो नवा काम ऐतकी असी किया कि हरेक पुलिस स्टेशन के हरेक सब डिवीजन जोन के अपने ऑफिसर्स ने एक फ्लाइंग स्कॉड टाइप अपनी टीम बनाई है, जिड़ी कि सिर्फ निगाह ही रखेगी कि कड़ा बंदा कितने गड़बड़ कर रहा, और इमीजिएटली
मगर पै के वो खिलाफ एक्शन होएगा। और आम लोगों ये मैं दसना चाहना कि जी टीम है ये सुरक्षा के मद्देनज़र ही बनाई गई ने। हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर में सर्व सुख सेवा मिशन की ओर से वॉइस ऑफ जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से तियां दी लोहड़ी मनाई गई, जिसमें दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विच और सेंट्रल हलके से विधायक रमन अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने पंजाबी लोकगीत, पंजाबी सभ्याचार को दर्शाते लोक नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां पेश कर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल अजय सरीन की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को ऑर्गेनिक पौधे भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर वॉइस ऑफ जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन अरविंद शर्मा और चेयरमैन मनदीप जसल की ओर से विजेता छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर न्यू इमेज ब्यूटी अकेडमी की डायरेक्टर पूजा सिंह, मंधु साई, कॉमेडियन डिप्टी राजा, प्रसिद्ध सिंगर राय जुझार सहित कई गणमान्य और कॉलेज का स्मूथ स्टाफ भी मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अज सर्व सुख सेवा मिशन वालों गुरतियां की लोहड़ी की गई है। मैं सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देना, खास करके साडे मनीष जी, जसल जी, सुनो जी और उन्होंने पूरी समुची टीम ने अज श्री शीतल विज जी की देख रेख के एच एम ई कॉलेज के जोड़ा अच्छा मिशन लैके चले है तियां की लोहड़ी का, उस उपलक्ष्य के मैं सारे ही मिशन बहुत बहुत बधाई देना। सब तो पहला बहुत ही प्यार भरी सत श्रीकाल। अज एच एम बी कॉलेज के सानू इनवाइट किया गया धियां की लोहड़ी दे जिहड़ा खास प्रोग्राम किया गया, बड़ा बहुत वधिया प्रोग्राम है और इहोजे उपराले करने चाहिए कि साडियां धियां नूं असीं अगे किद्दां होर लैके जाणा। वैसे तो साडे नाल मोढे ते नाल मोढा लागे साडियां धियां भैणां चल रही ने, पर साडा होर भी ये फर्ज़ बनता कि असीं उहनां नूं होर नाल लैके तुरीए और समाज के जिन्ने चंगे काम हो रहे हैं साडियां धियां भैणां तों बिना बिल्कुल नहीं होंदे, और साडा ये फर्ज़ बनता कि असीं उहनां नूं होर अगे लैके जाइए। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर रूहानियत के केंद्र सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेक सरबत के भले की अरदास की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मीथियर ने कहा कि वे सरकारी तौर पर अमृतसर आए हैं,
उनका यहाँ आने का कारण ये था कि वे अमृतसर और तरन तारण जिले के इंचार्ज हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के कामों के बारे में रिव्यू मीटिंग करने के लिए अमृतसर पहुँचे हैं। सचखंड श्री दरबार साहिब के आसपास सफाई को लेकर रिव्यू मीटिंग की गई है और आने वाले समय में उनके द्वारा योजना बनाई जा रही है कि कुछ वार्डों में कचरे का बिल्कुल भी डंप ना हो, इसी को लेकर सारी रिव्यू मीटिंग की गई है। वहीं खेल विभाग की बात करते हुए उन्होंने कहा कि खेल विभाग में इतने काम पिछले 25 वर्षों में नहीं हुए जितने काम 2 वर्षों में ही आप सरकार ने कर दिए हैं। पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री नेशनल खिलाड़ियों को अपने पास बुलाकर उनका सम्मान कर रहे हूँ। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नगरी जदों भी इत्थे आने तो हमेशा हर कोई चाहे सिख है चाहे गैर सिख है पूरे कह लो भी दुनिया भर चो इत्थे जिहड़े लोग ने सिर चुकाउण लई इत्थे दर्शन करन लई आउंदे आ सो असीं भी जदों भी कदे अमृतसर आउण दा मौका जिहड़ा उह लगदा तो हमेशा ही दर्शन करन लई पहुँचते हैं। सो अज ही पहुँचे हाँ। जिहड़ा अमृतसर आउण दा जिहड़ा सरकारी तौर पर जिहड़ा प्रोग्राम सी ਉਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। पुष्पा गुजराल नारी निकेतन में 3 वर्षीय शारीरिक और मानसिक तौर पर दिव्यांग बच्ची की मदद के लिए अमेरिका का एक दंपत्ति आगे आया है। इस दंपत्ति द्वारा बच्ची को गोद लिया जाएगा। अमेरिका के रहने वाला ये दंपत्ति पहले ही 2 बच्चों के माता पिता हैं। इस दंपत्ति ने बच्चे को गोद लेने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के पास पटिशन दायर की थी, जिसके बाद बनती कार्रवाई पर दंपत्ति को गोद लेने का सर्टिफिकेट जारी कर बच्चे को इस दंपत्ति के हवाले कर दिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨੈਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਲ ਆਇਆ, ਜੋੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੇਚਲ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਥਿਊ, ਇਹ 2 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਥਿਊ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਲਿਟਲ ਚਾਈਲਡ? Well, so we there's a process in the USA for discovery, and we came across her profile through the formal Indian websites, Kara. And so whenever we saw her file and her picture and her story, we were really excited to begin the process of adopting her. We knew pretty quickly she was our child. So why do you accept this thing? Well, she's, every child has value and worth and should be celebrated. And so whenever we saw her, we knew that she specifically just spoke to us through her picture. And we knew, yes, this is going to be our child. And so we started the process to adopt her. And it's been a little while, but we were so excited to travel and see her and then eventually bring her home. So this is special in this. Yes, say again, sorry. That is special in this. Yes, she has some needs, but we're excited to help address those needs whenever we get home, because we still think that she will lead a wonderful life and full of love in our home. So when will you go
back to America? Well, we still have a few things to do while we're here. We have to do passports and other kind of documents and things. I think we'll be here for another 3 weeks, probably. So we knew we wanted to adopt, and we started that process in the U.S. In India through CARA and the Carings website had the children, and we matched with her through that website. After we get her passport and other documents that we need to go home, then we will travel. We'll travel to Delhi first, and then we'll travel back to America. Yes, all the children will come, all three, and we have loved our time in India, though. It's been so special. बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बच्चा अमेरिका एडॉप्शन हुई है. बच्ची स्पेशल नीड है. जो बच्ची साढ़े को आई सी की ये सी डब्ल्यू सी कपूरथला के ऑर्डर के नाल साढ़े को आई सी और रेलवे पुलिस जी कपूरथला दी सी उन्होंने चाइल्ड लाइन नू फोन किया इस बच्ची दे कोई इन्हू छोड़ गया सी उत्थे बेंच ते बिठा गया सी और उस तो बाद फिर सी डब्ल्यू सी को पहुंची. सी डब्ल्यू सी तो बाद ये बच्चा साढ़े को उन्होंने भेजा. इस बच्चे जो आया सी उदो इत्थे बर्न दे निशान सी पूरे दे फोरहेड ते जली हुई सी. हाथ ते भी कुछ इस तरह दे ही सीगा. एंड फिर असी आंदे ही साडा है कि जो भी कोई बच्चा साढ़े को आंदा सी आंदे उन्हें पहले डॉक्टर को लेके चाहिए. जो असी डॉक्टर को लेके गए तो उन्होंने कहा कि यदि एज ते बिकॉज जो एज टेस्ट है वह भी डॉक्टर्स ही करते हैं. उन्होंने दसिया कि यह बच्चा इन्नी कोई एज का हैगा और यह जड़े निशान है बॉयल्ड वाटर जिस तरह सिर ते गिरिया हुंदा उस तरह ये जख्म हुए दे है. तो फिर उस तो बाद उन्होंने मेडिसन जो इनिशियल मेडिसन से वो दिती और यह भी हाँ जो भी सी उन्होंने दसिया और कहते कि इन्हों का ब्रेन थोड़ा जहाँ डेवलपमेंट जी है ब्रेन की शी इज़ लाइक अब स्पेशल नीड असी कही अब नॉर्मल वर्ड नहीं यूज़ करी दा. तो स्पेशल नीड बच्चा है. फिर उन्होंने डॉक्टर्स ने ब्रेन वाले जो एक चीज़ मैं देखी है बच्ची खेड दिया होया काफ़ी देख रेख अच्छे ढंग हुई है काफ़ी इंपरूव होया. हाँ हाँ यह बच्चा 1.5 साल हो गया साढ़े को. फिर जो डॉक्टर्स ने दसिया उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर बीमारी दसी सी. डॉक्टर भारती अंबाला तो पहले आते हर सैकेंड सैटरडे असं उन्होंने दिखाईदा सी. फिर वो हूँ इतें ही ने रेगुलर इस बच्चे का इलाज चलिया और उन्होंने जो भी सानू दस्या ईवन डाइट इस बच्चे मेन चीज़ जो सानू सी बाकी बीमारी तो जो एक डॉक्टर्स की लैंग्वेज दे विच हुंदी हो तो सी गी. लेकिन एक मोटी जी गल जिहड़ी साडी समझ ए आई सी गी कि ये बच्चे नू जदों असी क्वालिटी लाइफ देनी है इहदी लाइफ दी क्वालिटी इंप्रूव करांगे इहदी डाइट इंप्रूव करांगे तो जिहड़े इहदे न्यूरोन सैल्स ब्रेन च नहीं डिवेलप हो रहे वो हौली हौली अपने आप उस चीज़ नू रिकवर करेगा बच्चा विद स्पेशल केयर. अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शिवसेना उत्तर भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कंबोज पंजाब प्रधान त्रिलोचन नाथ की अगुवाई में मिठा बाजार में विशाल लंगर लगाया गया. इस मौके पर संजीव जमीता कशिश दुग्गल शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय प्रधान एसके शर्मा विकास कंबोज सोनू सोहम सहित अन्य राम भक्त भी मौजूद रहे. इस मौके पर दीपक कंबोज ने सभी देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी. जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट. आज पूरे जलंधर शहर वासियों श्री राम जी के प्रगटोत्सव से मेरे वालों ते मेरी पार्टी शिवसेना पंजाब वालों बहुत बहुत बधाई. ये जिहड़ा दिहाड़ा शुभ दिहाड़ा जिहड़ा आया देखने लई साडियां पीढ़ियां तरसियां किन्ने बलिदान दिते गए ने उहदे बाद जाके 498 साल दे बाद श्री राम जी अपने गर्भगृह दे विच आ के दुबारा विराजमान हुए ने. ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਏ ਰੱਖਣ. ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ. ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ एक लंगर लगाया गया चाय का लंगर लड्डू और टिकिया का जिंदे विच सभी राम भक्तों ने अपनी सेवा निभाई है. मेरे नाल त्रिलोचन नाथ जी संजीव जगोता जी कशिश विकास कंबोज और कई शिव सैनिक नाल शामिल सी. साडे विच एस के शर्मा जी शिवसेना पंजाब तो भी विच मौजूद होए. अज इदा दी खुशी है साडे वास्ते तां हिंदुओं वास्ते दूजी दिवाली आई है. असी धूमधाम नाल ये प्रोग्राम कर रहे हैं. रात नूं दीपमाला भी होएगी ते पटाके भी धूमधाम नाल चलाए जाएंगे. जय श्री राम.
अमृतसर पिंजरा पोल गौशाला की ओर से अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के नूतन बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के मांगलिक उत्सव पर फोकल पॉइंट शाखा परिसर स्थित मंदिर श्री गोविंद गोधाम में भव्य गोवर्धन पूजा महोत्सव बड़ी ही श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गाय के गोबर से निर्मित श्री गिरिराज जी महाराज का दूध, दही, घी, शहद, चीनी सहित पंचामृत आदि से षोडशोपचार पूजन किया गया तथा अलौकिक श्रृंगार कर 56 भोग लगाया गया। इस उपलक्ष्य में गौशाला द्वारा चलाए जा रहे गोसेवा का संकल्प अभियान के अंतर्गत 5 गो भक्तों विक्रम अरोड़ा, विशाल मेहता, दिनेश बस्सी, मीनू गुप्ता तथा संजय अग्रवाल ने एक एक कुल 5 गायों का पूर्ण विधि विधान से पूजन कर उन्हें गोद लिया तथा उनकी सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर भंडारा भी लगाया गया एवं 56 भोग का आरती के पश्चात ब्रह्म भोज तथा प्रसाद भक्तजनों में वितरित किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। राम आज दिन जय श्री राम। आज के दिन दिवाली भी है, आज के दिन रामचंद्र जी का जन्मदिन भी है और आज सारा हिंदुस्तान राममयी हो रहा है। आज असी गौशाला दे विच एक बहुत वड्डा उपराला किया है शुरू, जिते हर बंदा कोई एक गाय नूं गोद लै रहा है, जिहदा असी 70 रुपये रोज का पट्ठिया का चारा रखा, महीने का 2000 रुपया है, साल का 25000 रुपया। तो इस करके बड़ी जनता इस काम लिए अगे आ रही है। दिन अज पूरी दुनिया खुशियां मना रही है और अज के दिन राम लला जी की अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे अज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली, मेरा परिवार, असी सारे बड़े भाग्यशाली समझते हाँ कि अज असी सारे ने एक जी अमृतसर पिंजरा पोल वाले ने एक बहुत वड्डी मुहिम चलाई है, जेडे असी अज एक गां अडॉप्ट की है और असी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं और मैं तुहानू ताडे राही सारयां नू बेनती करना कि बहुत वड्डा काम है और ये जिहड़ा ये प्रतिष्ठा का जिहड़ा अज बड़ा वड्डा दिन है और उहदे नाल नाल जिहड़ी असी अज ये काम कर रहे हैं सारे इस मुहिम का हिस्सा बनीए शहर वासी तां कि ये जिहड़े इन्हां दा गौशाला वालिआं दा जिहड़ा काम कर रहे हैं सिरे चढ़े। प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अटारी चौक में स्वर्णकार संघ पंजाब तथा सराफा एसोसिएशन की ओर से हवन किया गया। करीब एक घंटे तक चले इस हवन में सराफा कारोबारियों तथा स्वर्णकारों ने हवन में आहूतियां डाली। इस अवसर पर संघ के चेयरमैन रविकांत, वरिष्ठ उप चेयरमैन पंकज चौहान तथा सराफा एसोसिएशन के प्रधान सतीश शर्मा ने कहा कि ये दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ा है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष तथा असंख्य बलिदानों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम जी गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई। इस दौरान चौक में लगाई बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण भी देखा। इस मौके पर मनोहर सिंह कंडा, सुनील बब्बर, रवि लूथरा, नवदीप हांडा, राजन खन्ना, सुरजीत सिंह सहजरा, कुलजीत सिंह धुन्ना, गौरव मेहता, नरेंद्र चौधरी, पवन कपूर, लक्की कपूर, संजीव सहगल, रोहित चौहान, ऋषभ कपूर, जसपाल सिंह, पवन शर्मा, विपुल चौहान, लव धुन्ना, साहिल सुनक, सुनील सेठी उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आम गण गण बताए नमः, आम गण गण बताए नमः। अम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सदत्य स्वकः सुभद्रिकां तां पिल्लवासिनीमा आम अम्बे आम अम्बिके। प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पंचायती मारवाड़ी मंदिर अमृतसर में श्री सुंदर कांड जी का पाठ किया गया और लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान सुनील गुप्ता ने श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सारे देशवासियों को बधाई दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सुनील गुप्ता, ट्रस्टी श्री मारवाड़ी पंचायती बड़ा मंदिर दबनाथ जी का हाँ। अज अयोध्या दे विच श्री राम मंदिर दे बनन दे उपलक्ष दे विच उहनां दे प्राण प्रतिष्ठा होण दे उपलक्ष दे विच श्री मारवाड़ी पंचायती बड़ा मंदिर दे विच पहले लंगर लगाया गया, उस तों बाद सलाह कीता गया। तुसीं खुद देखो लेडीज दे विच सारे मतलब सब दे विच सब दे मनां दे विच राम जी का प्रभाव इत्थों पता लगता है कि सारे कितनी ज़्यादा लोग आ करके इस सुंदरकांड जी का पाठ कर रहे हैं बड़े मन नाल। इस तों इलावा यह सब ग्रुप के पाया गया सी
कि भाई सारे जने सुंदर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करन ते असी यह मिथ्या सी कि घटो घट 1.25 लाख पाठ 3-4 महीने पहले की गल है जरूर किते जान सारे ने मिल। अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में फरीदकोट में श्री जी परिवार की ओर से गर्व यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासियों की ओर से शिरकत की गई। हर एक भक्त भगवे रंग के कपड़ों में रंगे हुए दिखाई दिए और वे जय श्री राम के जयकारे लगाते भांगड़े डालते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर दूसरे राज्यों से पहुंचे कलाकार नृत्य और झांकियों में सजे हुए दिखाई दिए। इस मौके पर यात्रा में शामिल भक्तों के लिए शहरवासियों की ओर से जगह जगह कई तरह के पकवानों के लंगर लगाए हुए थे। वहीं यात्रा किला मुबारक चौक से शुरू होकर पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए वापस श्री गौशाला श्री पंचवटी मंदिर में संपन्न हुई, जहां यात्रा में शामिल भक्तों के लिए श्री जी परिजनों की ओर से लंगर का प्रबंध भी किया हुआ था और पंचवटी मंदिर में भक्तों की ओर से श्री राम लला के भजन भी गाए गए। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। कोई गल कहांगे पहला ही सुनते सी कण कण दे विच भगवान बसदे है, सानू अज लग रहा है कि देश दे हरेक आदमी दे विच जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फिरोजपुर छावनी के हिंदू कबाड़ी मंदिर कमेटी की तरफ से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने अपना योगदान दिया। इस अवसर पर फिरोजपुर से विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, रजनीश दहिया और भाजपा के कार्यकर्ता हीरा सोडी ने इस शोभा यात्रा में पहुंचकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं जगह जगह लोगों ने लंगर लगाकर और फूलों की वर्षा कर इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान हिंदू कबाड़ी मंदिर कमेटी के प्रधान सुनील कुमार शीला ने बताया कि श्री राम जी के अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते हमारे हिंदू कबाड़ी मंदिर कमेटी की तरफ से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा के मौके पर फिरोजपुर से विधायक रणबीर सिंह भुल्लर और रजनीश दहिया ने पहुंचकर श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ये शोभा यात्रा हिंदू कबाड़ी मंदिर से चलकर बाजार आजाद चौक से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। वहीं उन्होंने कहा कि ये शोभा यात्रा धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं व इलाके की संगत के सहयोग से निकाली गई है, जिसमें फिरोजपुर वासियों का बहुत ही उत्साह देखा गया और श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जगह जगह लंगर लगाकर व फूलों की वर्षा कर इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय जो आज प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी के मद्देनज़र आज फिरोजपुर छावनी में हिंदू कुआ कुमारी मंदिर कमेटी एक शोभा यात्रा का भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। ये करीब 2 बजे 2 से 3 बजे के करीब करीब शुरू होगी। ये सारे बाजारों में से होते हुए वापसी शाम को मंदिर कमेटी में समापन होगी। सभी लोगों में बहुत उत्साह है इस बारे में भी, पहली बार इतना अच्छा आयोजन मोदी जी के द्वारा किया गया, भगवान श्री राम की राम प्रतिष्ठा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ संयम बनाए रखें, काम होगा, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जंडियाला गुरु में अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री राम नवमी उत्सव कमेटी के सदस्यों ने बताया कि प्रभु श्री राम जी के आगमन पर सभी भारतवासियों में बहुत खुशी है। प्रभु श्री राम जी ने 500 वर्षों के बाद इस खुशी का मौका दिया है, जिसके चलते मंदिर में बड़ी स्क्रीन लगाकर अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट भी लगाया गया, जिसके पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई और रात को आतिशबाजी भी की गई। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं सोनिया नेजा, प्रधान श्री रामधुनी उत्सव कमेटी जंडियाला गुरु। अज अही डालियाणी मंदिर तो शोभा यात्रा कढ रहे हैं। इस पूरे शहर होंदे आए हैं, तुम्हारा
फिर त्याग समाप्त होगी। तो रात अं 9:30 बजे आतिशबाजी भी करा तो पूरे शहर वासियों को सदा वा कि डाले ने मंदिर रहन इस मौके का लाभ उठा। जालंधर के प्रीत नगर सोडल रोड में सोनू छाबड़ा परिवार की ओर से केसर वाले दूध का विशाल लंगर लगाया गया, जिसमें मां मंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज, आप नेता दिनेश ढल, यूथ प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह और आप नेता मनु छाबड़ा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर निखिल छाबड़ा, मीनाक्षी छाबड़ा, सानवी, गुरचरण, साहिल, सुदेश रानी, पूजा, नेहा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। भगवान श्री राम जी ने अयोध्या जी जोड़े महाराज का मूर्ति स्थापना हुई है उस उपलक्ष छावड़ा परिवार वालों दुध का विशाल लंगर लगाया गया। उस मैं सेवा करने का मौका मिलया और मैं बहुत भाग्यशाली समझदा भगवान श्री राम के सेवा दे लई जिहड़ा भी महानुभाव तन मन नाल सेवा करता है प्रभु श्री राम उहदे ते कृपा करते हैं और अज का बड़ा भागा का दिन है और छाबड़ा परिवार ने जो लंगर भंडारा लगया दुध का उसके लिए मैं इन्होंने बहुत बहुत बधाइया दिता। महाराज इन्होंने इदा ही कृपा रखन और इदा ही धर्म की सेवा करते हैं। जय श्री राम। जय श्री अकाल जी सारे शहर निवासियों। मैं गुरमीत सिंह, यूथ लीडर आम आदमी पार्टी, छाबड़ा परिवार वालों जो अज विशाल लंगर लाया गया सी केसर दुध का लंगर के नाल बिस्कुट का लंगर लगा सी अयोध्या के मंदिर जो पुरातन मंदिर है ये अज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं उनके वास्ते सारे देशवासियों देशा जी जोड़े लोग अच्छ बहुत धूमधाम के नाल इस दिन मना रहे हैं मैं उन्होंने मुबारकबाद दिना बधाई दिना। खासकर साढ़े जलंधर शहर के पंजाब जगह जगह उत्ते लोगों ने लंगर से होर तरह के चौकियाँ बड़ा कुछ जोड़े धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। लोगों से बहुत उत्साह है, लोगों को बहुत खुशी है, बहुत ही खुशी का दिन है। अब दिवाली बढ़िया त्यौहार बन गया है साढ़ा श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर जो कही आसान भाइया से मुझे वो बन गया है तैयार हो गया तो अच्छ खुशहाली पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाई जा रही है। मां मंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में विशेष समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर को रंग बिरंगी सुंदर लाइटों व सुंदर रंगोलियों से सजाया गया और दीपमाला की गई तो वहीं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने सभी देशवासियों को प्रभु श्री राम जी के आगमन पर्व की बताई दी। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, गुलशन शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, अभिलक्ष्य चुग, पूनम प्रभाकर, बाबा जोशी, सौरभ अरोड़ा, केविन शर्मा, नवदीप, उदय, अभिनंदन प्रभाकर, अजीत कुमार, संजय अरोड़ा सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मां बगलामुखी ताम जो की गुलमोर सिटी के नजदीक स्थित है मां दे इस भव्य मंदिर च अज भगवान श्री राम जी दे जिहड़ा विराजमान होए अयोध्या दे विच उन्हां दी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा लई जिहड़ा साढ़े प्रसिद्ध सेवादार जलंधर दे श्री शीतल विच जी वल्लों हुंगारा आया सी सारे मंदरां लई करवद प्रार्थना सी कि दिवाली वंगर माहौल बनाउणा और अज लोगां दे विच भारी उत्साह देखण नूं मिलिया। दीपावली तो भी महा दीपावली अज मनाई गई है और जिथे भी देखिए लोगों का हजूम लोगों का जिहड़ा उत्साह भगवान श्री राम जी के प्रति ठाठा मार रहा सी और मैं अपने वालों समूह सेवादारा वालों मां बगलामुखी ताम च भी अज सुंदर कांड जिन्हों आप पंचम अध्याय रामायण जी का कहने हैं वह किया गया और श्रद्धालुओं ने आके लंगर भंडारे का जिहड़ा आयोजन सी उहदे विच भी भाग लिया और जिहड़ा रामायण का पंचम अध्याय का पाठ सीगा वह भी संपन्न होया। सारे मंदिरां दे विच नाना प्रकार के जिहड़ियां महाराज दे लई जो लगाव सी उहदे लई विशेष प्रोग्राम किए गए और असी बहुत ज्यादा धन्नवादी हैं देवी तला मंदिर के श्री शीतल विच जी के जिन्हां दे जिहड़ा इह योगदान दे सदका सारे समाज दे विच उत्साह सी और सारे समाज ने बढ़ चढ़ के इहदे विच भाग लिया। मेरे वल्लों समूह सेवादार मां बगलामुखी ताम वल्लों इस अज दे हर्षोत्सव जिहड़ा महा दीपावली है उहदियां बहुत बहुत वधाइयां। महाराज एदां ही सानू ते कृपा करन और भगवान श्री राम जी दे जिहड़े दस्से गए मार्ग है उहते आपां चलीए। जय श्री राम।
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी के जालंधर लोकसभा इंचार्ज अश्विनी अग्रवाल की ओर से इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर में विशाल लंगर लगाया गया। इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों को प्रभु श्री राम जी के आगमन पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। अज साडे राम जी महाराज 500 साल बनवास तो बाद अयोध्या विच आ रहे हैं। अयोध्या विच स्थापित उन्हां दी मूर्ति होई है, राम जी अयोध्या च आ गए हैं। इस पावन पर्व अवसर पर मैं आम आदमी पार्टी वालों, मैं अश्विनी अग्रवाल लोकसभा इंचार्ज, सारी आम आदमी पार्टी जलंधर, आम आदमी पार्टी पंजाब वालों और अपने परिवार वालों सारियां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा मैं सारियां नूं। जालंधर के मॉडल हाउस के नजदीक कुछ अज्ञात व्यक्तियों की ओर से एक फैक्ट्री में काम करने वाले सुनील कुमार शर्मा नामक व्यक्ति के साथ बुरी तरीके से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे थे। जब वह अपने काम पर जा रहा था तो कुछ अज्ञात बाइक सवारों की ओर से उस पर हमला कर दिया गया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस संबंधी पीड़ित व्यक्ति की ओर से थाना भार्गव कैंप में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सवेरे मैं फैक्ट्री जा रहा सीगा ते मॉडल हाउस दे नेड़े जिथे रेड़ियां लगदियां उत्ते दो मुंडियां ने पिछे मोटरसाइकिल आ के सिर दे विच मैंने तिखी चीज नाल वार किया जिहदे नाल काफ़ी खून निकलिया ते हाथ दे उत्ते। ते कल मैनूं इक धमकी मिली सीगी बंदे वल्लों ते उन्होंने पैसे मंगदे सीगे ते कहिंदे सी नहीं तां सवेरे ध्यान नाल आइओ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। गोराया नेशनल हाईवे पर मर्सिडीज और बाइक में हुई भीषण टक्कर, दो लोगों की हुई दर्दनाक मौत। सीआईए स्टाफ फिरोजपुर की पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो 550 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। तरनतारन में दो लुटेरे पिस्तौल की नोक पर मनी ट्रांसफर ऑफिस से 7 लाख रुपए कैश लूटकर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।